किसी को नहीं मालूम अभी तक कि उस एफआईआर में क्या है, कौन सी धाराएं कौन सी नहीं है। जब ये लड़कियां मेडल जीत के आती हैं तो हम सब ट्वीट करते हैं, सब कहते हैं कि हमारा गर्व है, सारे जितने भी नेता हैं हम इंक्लूडेड इसमें, हम सब कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बात है, देश के लिए अच्छा है, ये है, उन्होंने देश का गर्व सम्मान रखा है। और आज जब सड़क पे बैठी हुई हैं, जब कह रही हैं कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ गलत हुआ है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। मैंने आपसे, आप बार बार यही कह रहे हैं, मैंने आपसे कहा ना अगर एफआईआर दर्ज हुए हैं तो कम से कम इनको दिखाना चाहिए कि क्या है, कॉपी देनी चाहिए। मैं आपको पुलिस का स्टैंड बता रहा हूँ, पुलिस का ये कहना है कि दो एफआईआर उन्होंने इंडिविजुअली दर्ज किए हैं, एक पॉस्को एक्ट क्योंकि एक माइनर लड़की है उसकी शिकायत पर पॉस्को एक्ट की धाराओं में दर्ज की जो है छेड़खानी के आरोप में जो सीनियर महिला पहलवानों ने, और अब इन्वेस्टिगेशन को लेकर जो होना चाहिए उसको लेकर आपका कहना है। अरेस्टिंग की जो बात, देखिए सीधी सी बात है, इतने जो सीरियस एलिगेशन है इस शख्स के बारे में तो पहले रिजाइन तो करें, उनको पद से तो हटाएं, जब तक पद पे हैं तब तक प्रेशर डालते रहेंगे, तब तक करियर बर्बाद करते रहेंगे लोग। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है? अगर वो आदमी उसी पद पे है जहां सबसे ज्यादा पावर है सबके ऊपर, सारे प्लेयर्स के ऊपर, इनके करियर को बर्बाद करने के लिए, इनको तंग करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एफआईआर इन्वेस्टिगेशन क्या मतलब है इसका? पहले रिजाइन करें, उसको हटाएं पद से, उसका पावर तो लीजिए, जिस सत्ता ने उसको इनेबल किया है कि वो ये सब करे, पर पहले वो तो हटाइए। देखिए जो मैं सुन रही हूँ, जो मुझे बताया गया है, और मैं पूरी तरह से बिलीव करती हूँ, क्योंकि ये लड़कियां जो है इतनी मेहनत करती हैं, इतनी ट्रेनिंग के लिए, इतने शोषण इनको देखने पड़ते हैं, इतना करना पड़ता है एज इट इज, अपनी फैमिलीज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए इतना कर रही हैं, तो कुछ कह रही हैं कि इनके साथ, और एक नहीं कह रही है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ ये सब हुआ है। तो मैं समझना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं समझना चाहती हूँ कि सरकार इनको बचा क्यों रही है। वो प्रधानमंत्री से मेरी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई तो बुलाइए, बात करिए, बच्चियां हैं, बच्चे हम सबकी बच्चियां हैं। और मतलब और क्या कह रही, ये कह रही है ना कि हमारी, अब भगवान जाने, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई इस आदमी को बचाने के लिए इतना सारा क्यों किया जा रहा है, जब इतनी सारी लड़कियां जिन्होंने देश के लिए इतना किया है, अपने परिवारों के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है, देश के लिए किया है, और इतना मतलब पर्सनल संघर्ष है इनका, आप देख सकते हैं इन्होंने इतना किया है और आप उसको बचा रहे हैं। भाई इनको बचाओ ना, हमारे देश के बारे में ये क्या कहता है अगर हम अपने बच्चियों को नहीं बचा सकते।